सर पहला फोटो फिर से रिपीट करें, पहला फोटो भी ऐसा ही मैं रिपीट कर। मेरा प्रधानमंत्री जी से आग्रह है कि दिन में कई बार हिंदुस्तान की 66% लोग जो डेली कमा के खाना खाती है, मतलब वो गाँव से कई बार साबुन देश के अन्य हिस्से में, दुनिया के अन्य हिस्से में तो सरकार जहाँ जनसंख्या हमारे यहाँ 1.3 मिलियन पब्लिक है। मैं जानना चाहता हूँ मैं आप सबसे कि प्रधानमंत्री जी आपने संबोधन में एक दिन मांगा है हालात लगा दीजिए भारत के यदि अच्छे नहीं रहे क्या आपके पास यदि किसी व्यक्ति को बुखार या खांसी छींके तो 2 मीटर दूरी बना के रखे, कृपया भीड़ में ना जाए, भीड़ वाले स्थान पर जहाँ होटल मॉल है। आज लाखों करोड़ों लोग आज ट्रेन बस स्टैंड और फुटपाथ पर सोने वाले, जेल में रहने वाले, लाइन में लग करके बैंक और पैसा निकालने वाले लोगों के बारे में प्रधानमंत्री जी की क्या राय है। ट्रेन में लाखों लोग बिहार आ रहे हैं, आज हर संभव गर्म पानी पिए हर घंटे। प्रधानमंत्री जी जिसके पास गैस नहीं है, चूल्हा नहीं है, वो हर संभव पानी कहाँ से पिएंगे? अनावश्यक यात्रा से बचें। तो मेरा आपसे आग्रह है कि प्रधानमंत्री जी मुझे आप ये बताएं कि क्या कल जो 66% लोग घर में रहेंगे तो क्या आपने उनकी खाने की व्यवस्था, उनके राशन की व्यवस्था आपने की? चेहरे कवर करके रखें, पूरे देश में फेस मास्क आउट ऑफ मार्केट हो चुका है, साबुन नहीं मिलता, सैनिटाइजर नहीं मिलता, अस्पताल में कोई सैनिटाइजर नहीं है, NMCH की स्थिति बहुत बुरी है, धक्का मुक्की है, लोग पर लोग हैं। जो जन अधिकार पार्टी लगातार 7 दिनों तक पूरे बिहार में जो डिटोल साबुन हमारे अलग अलग भागों में राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष अखलाक अहमद है, प्रदेश के अध्यक्ष है, सारी जो हमारी टीम है अलग अलग जिलों में जिला अध्यक्ष बांटने का काम शुरू किए। हम लोगों ने संकल्प लिया है कि 7 दिनों तक यदि हम वोट लेने के अधिकारी हैं, हर घर पर वोट लेने जाते हैं, तो हर घर पर पप्पू यादव के दुख के समय पहुंचने की भी जिम्मेदारी बनती है। कोरोना वायरस से हम डर से कैद नहीं हो जाएंगे, हम जनता के बीच उसके हालात को देखेंगे। जो सवाल उन्होंने उठाया वो बिल्कुल गलत है।